की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके साथ फोर इच लूप के बारे में। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, लास्ट हमने लूप स्टार्ट किया था, तो लूप जो है बेसिकली दो तरीके का होता है, डू लूप एंड व्हाइल लूप। तो डू लूप का जो यूज है वो हम बाद में बात करेंगे, हम बात करते हैं फोर इच। फोर इच मतलब कि एक सिलेक्टेड एरिया, जो एक एरिया है उसकी जो सिलेक्टेड एरिया है उसको कैसे हम उस पर कैसे वर्क करें। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमने एक डेटा दिया हुआ है, हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी ग्रेटर देन 50 है वो कलर हो जाए, तो जितने भी ग्रेटर देन 50 है सबको हम कलर करना चाहते हैं, तो कैसे करें? उसके लिए हमें यहाँ वीवीए प्रोग्रामिंग के अंदर लूप लगाना होगा। तो डू व्हाइल जो अभी आपने सॉरी डू नहीं फोर इच फोर आई के बारे में जो सीखा था आपने, तो उसमें क्या होता था कि हमें पूरा लूप नाम का नहीं बनेगा, तो हमने आपको बताया था कि एक स्टार्टिंग और एंडिंग देना होता है जो कि फिक्स होता है, हम चाहते हैं कि फिक्स ना हो, हम जितना एरिया सिलेक्ट करें उतना पे ही चले। तो यहां हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि dim r as a range और फिर दूंगा कि for each r in selection और कंडीशन होता है कि if r dot value is greater than equal to 50 then मैं कह रहा हूं r dot interior dot color equal to vv red green blue और फिर यहां पे हमें देना होता है next। इससे क्या हुआ कि इस माइक्रो को जो हम रन करेंगे तो जो एक सिलेक्टेड एरिया है जिसमें जितना एरिया सिलेक्ट किया है वो उतने एरिया पे ही वर्क करेगा, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया, जैसे कि कस्टम फॉर्मेटिंग हो गया, कुछ भी हम अप्लाई करने से पहले सिलेक्शन करते हैं और फिर जो फीचर्स को अप्लाई करते हैं, जो फीचर जितना हमने सिलेक्ट कर रखा है उतने पे ही परफॉर्म करता है ना, उसी तरीके से। अब कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे पास यहाँ पे हम कुछ वर्ड हम कुछ नाम लिखते हैं, कुछ नाम लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि सारे नाम को मैं अपर लेटर में कन्वर्ट कर दूं, तो यहाँ ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है वीवीए में एक्सेल में सॉरी, आपको एक कॉलम इंसर्ट करके अपर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा फिर कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, हम चाहते हैं एरिया को सिलेक्ट करें और अपर केस में कन्वर्ट कर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि फोर इच का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना एरिया है, यूजर जो सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो सेम डिम आर एज ए रेंज और यहां पे हम फोर इच आर इन सिलेक्शन। अब आपको बोलेंगे सर सिलेक्शन ही नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरा एरिया फिक्स है, मतलब कि हम अपना मैप अपना चलाना चाहता हूं A1 से लेके F6 पे, ठीक है A1 से लेके F6 पे, तो मुझे यहां पे आप यहां पे सिलेक्शन की जगह लिख सकते हैं कि रेंज A1 to F6 एरिया पे ही चलेगा। तो यहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर रेंज को दे सकते हैं या सिलेक्शन देंगे कि जो सिलेक्टेड होगा उस पे वर्क करेगा सिलेक्शन। और R dot value equal to U case
आर डॉट वैल्यू, अपर केस में एक कन्वर्ट कर देता। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और अपने माइक्रो को रन कर देता हूं। ओके सर, हाँ जी, फोर इच का कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है? हाँ। जैसे कि क्या फोर इच सिर्फ रेंज पे ही वर्क करता है? जी नहीं, फोर इच का यूज जो है हम सीट्स पे भी करते हैं। जैसे कि हमने यहां पे माना कि डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, ठीक है, फिर हमने लिखा कि फोर इच डब्ल्यू इन एक्टिव वर्क वर्क बुक डॉट नहीं बुक होगा या दिस वर्क बुक भी कर सकते हैं, बुक डॉट वर्कशीट्स। यहां भी ध्यान रखिए, यहां ऊपर में सीट होगा नीचे में सीट्स होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्टिव वर्कबुक के जितने भी सीट, मतलब एक से ज्यादा सीट की बात हो रही है, समझ गए सर? हाँ। हमने बोल दिया कि डब्ल्यू डॉट नेम इक्वल टू डेटा, अब एक नाम के एक सीट तो नहीं हो सकते ना, तो आर कर देते हैं। यहां पे आर हम डिफाइन कर देते हैं कि डिम इंटीजर, और यहां ऊपर में हम करते हैं आर इक्वल टू आर प्लस वन, ताकि सीक्वेंस में बढ़ता जाए। अब मैं अगर रन करता हूं अपने इस लूप टू को, तो आप देखेंगे कि जितने भी सीट है सबके नाम डेटा वन टू थ्री से हो गया। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम फोर इच लूप का इस्तेमाल करते, चाहे वो रेंज हो, चाहे वर्कबुक हो, चाहे वर्कशीट्स हो या एरे हो, समझे सर? हाँ। एरे में क्या होता है, याद होगा मैंने आपको जो मेक डायरेक्ट फंक्शन बताया था उसमें भी इस्तेमाल किया था इसको। हाँ, वो डेट वाला ना, डेट के हिसाब से जो हम लोग सेव करते थे। नहीं, मेक डायरेक्ट जैसे एक फोल्डर में जितने भी फाइल है सारा ले लेना। हाँ, MK DIR करके। हाँ, उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है सर जी। इसका यूज कर सकते हैं। तो फोर ही समझ में आ गया। हाँ। ओके, तो एक फाइल पे और लाइव फाइल पे हम डिस्कस कर रहे हैं। किसी का फाइल है, उन्होंने मुझे भेजा है ये पीडीएफ क्रिएट करने का काम करती है। इनके माइक्रोज हम देखते हैं क्या है, पीडीएफ क्रिएट हाइट्स यहाँ पे। अब किसी का माइक्रो समझना सीखिए क्या है, सीट वन पे, सीट वन पे डेटा है, राइट सर? तो सीट वन पे डेटा है तो यहाँ बोलना, यहाँ पे हमने सीट आई टू टू सीट डॉट रो एंड रो पे चला गया, चाहिए लास्ट तक कर दिया इसने, सीट टू को सिलेक्ट किया, सीट टू मतलब कि जिसपे पीरियड कॉमेंट है। उसके बाद रेंज बी सिक्स डॉट वैल्यू बी सिक्स यूनिट नंबर डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट्स वन डेटा रोन ए के साथ आई डॉट वैल्यू, मतलब कि जो यूनिट नंबर है ए के साथ, मतलब ये सीरियल नंबर है ए ऐड कर रहा है।
सी डॉट एक्सपोर्ट फिक्स पीरियड फाइल सीट नेम ए डॉट वैल्यू डॉट पीडीएफ नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या कर रहा है, पीडीएफ में क्रिएट कर रहा है राइट। अब ये जो पर्सन है ये बोल रहे हैं यहां पे इनवॉइस नंबर ठीक है, क्लाइंट नेम और डेट इस फॉर्मेट में मुझे पीडीएफ को जनरेट करना है। मतलब जो इनका जो फाइल नेम है उसमें, तो यहां हम अगर इनकी डेटा पे जाते हैं, समझ में आया प्रॉब्लम सर? तो इनवॉइस नंबर, यूनिट नंबर ही इनवॉइस नंबर होगा या कुछ और भी है? नहीं है, इनवॉइस नंबर अलग से नहीं है ना। तो इनवॉइस नंबर और क्या बोल रहे हैं, क्लाइंट नेम और, मतलब ये चाहते हैं जो पीडीएफ का नाम है वो पीडीएफ का नाम होना चाहिए इनवॉइस नंबर क्लाइंट कस्टमर नेम और डेट। तो प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी फाइल नेम में जो स्लैश है ये स्लैश नहीं रहता है, बात समझे? तो हमें यहां पे करना पड़ेगा कि डिम एज ए स्ट्रिंग ठीक है, और यहां पे हमें करना पड़ेगा कि एफ एन इक्वल टू सीरियल नंबर है इसको लिया, हमने इसको एड कर दिया एन परसेंट, हम यहां पे इसको लेते हैं। अब कस्टमर नेम जो है वो किस कॉलम में है, ये है हमारा डी कॉलम में, तो यहां पे डी को ले लेते हैं और फिर डेट है हमारा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो डेट है वो स्लैश लगा हुआ है ना, स्लैश को नहीं लेता है, समझे सर? तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे फॉर्मेट का फॉर्मूला फॉर्मेट, और यहां पे हम दे देंगे ए जी था ना, ए जी डॉट वैल्यू और इसमें कॉमा डी 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 स्लैश डैश एम एम डैश ठीक है सर, कन्वर्ट हो गया। और फिर यहां पे हम फाइल नेम दे देते, सर ये वाला भी तो अपने फाइल पाथ ये चेंज करने हैं, डेल डेस्कटॉप वर्ड फाइल को भी ना, तो उनके अकॉर्डिंग उनके फाइल में उनके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते क्योंकि उठा के सीधे उनको दे देते हैं ठीक है। तो एक चीज आपने क्या सीखा, किसी भी कोड को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं ठीक है। चलो तो अभी आपने फोर इच लूप को अच्छे समझ लिया, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए ठीक है, और कल की क्लास में हम बात करेंगे डू व्हाइल लूप के ऊपर ठीक है सर? ठीक है।